Bismillahir Rahmanir Rahim. The topic of today's lecture is lytic and lysogenic cycle of bacteriophages. Bacteriophages ka ek life cycle given aapke chapter number 5 mein bada important topic hai with respect to the long questions aur syllabus jo smart syllabus aapka uske according bhi ye syllabus ka hissa hai life cycle of bacteriophages. Isse pehle aapne bacteriophages ka structure padha जो आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने कि बैक्टीरियोफेजेस के स्ट्रक्चर में दो मेन पोर्शंस हैं हेड एंड टेल. हेड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और कैप्सोमियर्स उसमें उसके यूनिट्स होते हैं कैप्सिड के और हेड इनक्लोज कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड्स को. न्यूक्लिक एसिड इस बैक्टीरियोफेज के केस में बेटा डीएनए होगा. डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज. फिर हेड और टेल के जंक्शन पे एक और प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है कॉलर और इनके बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में जो रीजन है दैट इज नाउन एज शेथ सॉरी कोर प्रोटीन और जो आउटर पोर्शन है वो कहलाएगा शेथ. जो मैंने रेड कलर किया ये है कोर प्रोटीन जो डीएनए इंजेक्शन का काम करेगी और टेल फाइबर्स ये भी प्रोटीन इन नेचर है ये अटैचमेंट में असिस्ट करेंगे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे जबकि बेस प्लेट और बेस पिंस ये जो है ये भी बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर जब लैंडिंग के बाद अटैचमेंट होती है तो उसमें असिस्ट कर रहे होंगे ये पार्ट. वेल शुरू में जो ज्यादातर रिसर्चेस हुई हैं याद रखिएगा वो ऐसी बैक्टीरियोफेजेस पे हुई है जो इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं. आप लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरियोफेजेस आर दोस वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स. ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस और वो बैक्टीरिया ज्यादातर है इकोलाई बैक्टीरिया एस्टेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया. बेस्ट नाउन फेजेस जो अवेलेबल हैं दे आर टी फेजेस. टी फेजेस ये टेडपुल लाइक अपीयर होती हैं और इसमें याद रखिएगा ये जो आपके सामने एक फेज है ये भी एक टी फेज की टाइप है. टी फेजेस में से जो टी इवन नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की इनकी टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं लेकिन इसमें जो इवन फेजेस हैं स्पेशली T4 और T2 टाइप 2 और टाइप 4 फेजेस को ज्यादा कॉमनली स्टडी किया गया है. और ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटे इट्स टाइप 4 फेज. इसका स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के स्टार्ट में भी डिस्कस किया गया है इसके कंपोनेंट्स को और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की. वेल हाउ डू दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियल सेल्स को कैसे इन्फेक्ट कर रहे होते हैं उनपे कैसे जो है वो अपना इन्फेक्शन अपनी इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ओवर जब भी कोई बैक्टीरियोफेज का कॉन्टेक्ट किसी भी बैक्टीरियल सेल के साथ होगा जाहिर है ये खुद तो मूव नहीं कर रहे होते लेकिन एयर वाटर करंट किसी भी तरह से जब ये किसी भी सोर्स से ट्रांसफर होंगे और अगर इनका कॉन्टेक्ट किसी बैक्टीरियल सर्फिस पे हो जाता है ये जो नीचे लाइन लगी नजर आ रही है आपको ये सारी ये बैक्टीरियल सरफेस है बेटा बैक्टीरियल सेल है ये एक्चुअली तो सबसे पहले ये अपने टेल फाइबर उनको अटैच करते हैं एट द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. एज यू कैन सी ओवर हियर ये जो टेल फाइबर अटैच होते हैं इट्स नाउन एज लैंडिंग. अगर एक बैक्टीरियोफेज अपने टेल फाइबर्स को ऊपर अटैच कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे लैंडिंग. लैंडिंग के बाद आप एक सेकंड स्टेप देख रहे हैं अटैचमेंट. इसमें क्या होगा टेल फाइबर्स के साथ साथ ये वाला हिस्सा जिसको भी अभी हम नाम दे रहे थे बेस प्लेट अब ये भी अटैच हो गया. बेस प्लेट भी जब साथ अटैच हो जाए इट्स नाउन एज अटैचमेंट पॉइंट. सो लैंडिंग एंड अटैचमेंट इज द फर्स्ट स्टेप जिसके दौरान एक बैक्टीरियोफेज अपने आप को बैक्टीरिया की सरफेस पे ले आएगा. उसके बाद क्या होगा जो इसकी कवर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है यहाँ पर जिसे हम कह रहे थे शेथ. बेटा शेथ में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और जो सेंट्रल प्रोटीन है कोर प्रोटीन वो इंजेक्टिंग पोर्शन है वो इंजेक्ट करेगा अपना डीएनए. यहाँ पे टेल कॉन्ट्रैक्शन होगी और अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट बुक्स या आपकी टेक्स्ट बुक में जो बातें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एंजाइम भी रिलीज होता है जो कि प्रीवियस सेल से इसने अपने साथ अटैच किया हुआ था. दैट एंजाइम इज लाइसोजाइम और ये लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल जो है उसकी सेल वॉल को रप्चर करने में असिस्ट करेगा.
इंजेक्शन टेल कॉन्ट्रेक्शन के साथ जब जो सेंट्रल प्रोटीन है जिसको हम कह रहे थे कोर प्रोटीन, जब वो इंजेक्ट कर देगी, जब वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी तो हम कहेंगे पेनिट्रेशन। लेकिन पेनिट्रेशन के साथ एक और चेंज नोट कीजिएगा, वो चेंज ये है कि इसके जो टेल फाइबर्स थे यहाँ पे, ये देखिए इनकी पोजीशन देखें, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। पहले ये क्लोज थे, इसके करीब थे शुरू में, लेकिन बाद में आप देखिए ये डिटैच होना शुरू हो गए हैं, इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो गई है। सो दैट्स व्हाई दिस फेज दिस स्टेज इज नेम्ड एज पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग, कि पेनिट्रेशन हुई और साथ साथ उसने अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दिया है, दैट इज अनप्लगिंग। मीनवाइल जो कोर प्रोटीन थी, जो सेंट्रल प्रोटीन थी जो इंजेक्ट कर चुकी थी अपना पोर्शन, उसके थ्रू डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाएगा इनटू द बैक्टीरियल सेल, दैट्स नोन एज डीएनए इंजेक्शन। लेकिन भाई डीएनए इंजेक्शन तो हो गया, इसके बाद एक बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया की कैसे लाइसिस कॉज करता है, इसके दो फर्दर साइकल्स हैं। तो आपने एक्चुअली अभी तक सिर्फ ये बात डिस्कस की कि कैसे एक बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट करेगा। सबसे पहले क्या होगी, लैंडिंग, ड्यूरिंग विच टेल फाइबर्स आर अटैच्ड। फिर क्या होगी, अटैचमेंट, अटैचमेंट में बेस प्लेट भी अटैच हो जाएगी। फिर इनकी टेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी जो शीथ या शेथ प्रोटीन आप पढ़ते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और फिर पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेट कौन सा पार्ट करेगा, जो इसका कोर होता है, सेंट्रल प्रोटीन पार्ट, और साथ साथ अनप्लगिंग यानी डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी, ये देखिए। और आखिरी स्टेप में आपने ये मेंशन कर दिया, इसमें डीएनए इंजेक्ट कर जाएगा। ये डायग्राम जो बनी है इसके सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, एक सीक्वेंस आपकी टेक्स्ट में भी गिवन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो आपकी बुक की डायग्राम में दी हुई है। नेक्स्ट, एक बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेता है, लेट मी से कि ये डीएनए है बैक्टीरियोफेज का जो मैंने ग्रीन में शो किया, और ये जो सर्कुलर डीएनए, इट्स अ सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियोफेज ने सपोज करें यहां पर आके अपना डीएनए इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये डिफरेंट स्टेप्स में बैक्टीरिया की लाइसिस के दो मेथड दिए हुए हैं, वन ऑफ देम इज नोन एज लिटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर सकते बल्कि उनकी लाइसिस हो जाती है सडनली। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरियल सेल डिवाइड भी करता है और उसके बाद वो लिटिक साइकिल में लाइसिस की तरफ आता है। वन बाय वन इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले स्टेप नंबर वन एंड टू में क्या लिखा, अटैचमेंट यानी एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, जो आपने पिछली स्टेजेस में पढ़ी कि फेज पहले अपने आप को अटैच करेगी। फेज हम बोल रहे होते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को, उस वायरस को जो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कॉज करेगा। फेज इज एड्सॉर्ब्ड टू द रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इंजेक्ट्स इट डीएनए, ये पहला स्टेप होगा, पहला या दूसरा जो मेंशन किया हुआ। उसके बाद दो पाथवेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं कि बैक्टीरियल सेल की लाइसिस या उसकी ब्रेकडाउन हो जाए। फर्स्ट पाथवे जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिटिक साइकिल, इसे हम कहेंगे लिटिक साइकिल। ये जो पहला पाथवे है इट्स नेम्ड एज लिटिक साइकिल। इसमें क्या होगा जी, सबसे पहले ये देखिए, जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरस डीएनए भी इसमें इंजेक्ट हुआ, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था, जो सर्कुलर क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, इसकी लिटिक साइकिल के अंदर, ये पहला साइकिल, इसके अंदर लिटिक साइकिल में इसकी लाइसिस हो गई बैक्टीरियल क्रोमोसोम की, वो ब्रेकडाउन हो गया, पीसेस में कन्वर्ट हो गया। द फेज डीएनए जो वायरस का डीएनए था वो क्या करेगा, इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस सेल मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स। और जो वायरस का डीएनए आया था उसने बैक्टीरिया का सेंट्रल कंट्रोल गेन कर लिया है, और अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट सिंथेसाइज होंगे सारे के सारे वायरस के होंगे। कैसे, सबसे पहले एम्प्टी फेज हेड्स एंड पीसेस ऑफ फेज डीएनए उनको बनाया जाएगा, पहले हेड का पोर्शन और डीएनए के पोर्शन बनेंगे।
फिर मैच्योरेशन हेड्स आर पैक्ड विद इन डीएनए, ये जो उसके हेड्स बने थे, हेड्स के अंदर डीएनए पैक हो जाएगा, ये सारा फेज का डीएनए और फेज की प्रोटीन्स बन रही है। नेक्स्ट स्टेज में फेज अपने टेल फाइबर्स या टेल्स को भी प्रोड्यूस करेगा, और ये जो टेल्स प्रोड्यूस होंगी इसके बाद यू समझ लें कि बैक्टीरिया अपने कंप्लीट जो बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो अपनी कंप्लीट सिंथेसिस कर चुके होंगे यहां तक। और आपकी बुक में मेंशनड है कि जो बाकी कंपोनेंट्स हैं लाइक कॉलर, शेथ प्रोटीन्स, बेस प्लेट्स, दे हैव बीन अटैच्ड टू द हेड्स एंड टेल फाइबर्स आर एडेड एट द लास्ट पॉइंट। आखिरी स्टेप में नंबर फाइव में वो मेंशन कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल लाइसिस एंड फेजेस आर रिलीज्ड। आपकी बुक में एक फैक्ट टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे कि 25 मिनट्स में 200 न्यू कॉपीज प्रोड्यूस जाती हैं इसकी 25 मिनट्स में। और फेडरल की टेक्स्ट बुक में आप लोग देखते हैं कि वहां पे मेंशनड है, देखेंगे कि वहां पे मेंशनड है कि ये लाइसिस क्यों होती है कि ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस के दौरान, यहां पर ये भी याद रखिएगा कि एक लाइसोजाइम रिलीज हो रहा होता है, एक एंजाइम वो भी सिंथेसाइज होता है जो इस बैक्टीरियल लाइसिस को प्रमोट करता है, और जितने भी फेजेस रिलीज होंगे वो सराउंडिंग में न्यू बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और फिर से लिटिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। ऐसी फेजेस, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस या ऐसे वायरसेस जो लिटिक साइकिल स्टार्ट करते हैं उन्हें विरुलेंट फेजेस या उसे हम कहते हैं कि लिटिक फेजेस हैं वो, जिन्होंने ये लिटिक साइकिल फौरन से लाइसिस कॉज कर दी। तो भाई अल्टरनेटिव पाथवे कौन सा है? अल्टरनेटिव पाथवे ये है कि सम टाइम जो वायरल डीएनए यानी फेज डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ होता है वो बजाय इसके कि फौरन से इसकी लाइसिस कॉज कर दे, वो इसका हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। A phage DNA inserts itself as prophage into bacterial chromosome. यहाँ पे बड़ी important point है कि prophage क्या है जो बार-बार पूछा गया है। जब virus का DNA, phage का, bacteriophage का DNA अपने आप को bacterial chromosome में insert कर लेता है, that's known as prophage. तो इसको नाम देते हैं हम लोग prophage. Phage is replicated along with bacterial DNA before the binary fission. बाइनरी फिशन आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इससे पहले कि बैक्टीरिया डिवाइड करे उसके अंदर डीएनए ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुका होता है, और बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवीजन से पहले वो अपनी कॉपीज, डीएनए की कॉपीज सिंथेसाइज करते हैं। अब जब बैक्टीरिया अपना डीएनए रेप्लीकेट कर रहे होंगे तो मीनवाइल साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लीकेट हो रहा होगा, और अपेरेंटली ये भी बैक्टीरिया को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी बैक्टीरियल सेल्स नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया की प्रोड्यूस हो रही हैं सभी में ऑलरेडी इन्फेक्शन पहुंच जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं चलता रहेगा, एट सम पॉइंट ड्यू टू रेडिएशन, टेम्परेचर चेंज या स्पॉन्टेनियसली ये जो फेज डीएनए है ये अपने आप को बैक्टीरिया से अलग करेगा और फिर से वैसा ही साइकिल स्टार्ट कर देगा जिसे हम कह रहे थे लिटिक साइकिल। अगर बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड करते हैं और फेज डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाता है और उसमें बाइनरी फिशन ऑब्जर्व की जाती है बैक्टीरियल सेल में, दैट्स नाउन एज लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें अनलिमिटेड जो है वो सेल डिवीजंस होंगी और अल्टीमेटली लाइसोजेनिक साइकिल का एंड भी क्या है, लिटिक साइकिल। ऐसी फेजेस जो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करती हैं दे आर टर्म्ड एज लाइसोजेनिक और temperate phages. इसी चीज को हम एक एनिमेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं। अभी ड्यूरिंग लिटिक साइकिल सबसे पहले आपने देखा कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है सबसे पहले, तो बैक्टीरिया पे अटैक करते हुए सबसे पहले वो अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। जस्ट लुक एट दिस, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। जब इसकी टेल कॉन्ट्रेक्शन होनी है तो टेल कॉन्ट्रेक्शन के बाद आप ये देख रहे हैं इसका डीएनए ये इंजेक्ट हो गया है। रेड कलर में जो डीएनए शोन है इट्स द डीएनए ऑफ फेज, ये फेज का डीएनए है अभी, और ब्लू कलर में जो डीएनए नजर आ रहा है आपको इट्स द बैक्टीरियल डीएनए। व्हाट हैपेंस कि ये डीएनए सबसे पहले अगर लिटिक साइकिल स्टार्ट करेगा तो बैक्टीरियल
जो कंपोनेंट्स हैं, जो बैक्टीरियल डीएनए है, सबसे पहले उसकी लाइसिस होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, और बैक्टीरियल कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन के साथ ही जो वायरस का डीएनए है रेड कलर में जो नजर आ रहा है, इसका सेंट्रल कंट्रोल बैक्टीरिया पे आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स सिंथेसाइज हुए हैं, ये सारे के सारे जो बैक्टीरियल की बायोसिंथेटिक मशीनरी थी, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स, बैक्टीरिया के एंजाइम्स, वो वायरस के लिए काम कर रहे हैं, वायरस के कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। और मीनवाइल जितने भी वायरस के कंपोनेंट्स हैं, लाइक हेड के पीसेस, उसके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, ये आप देख रहे हैं, और साथ उसके कंपोनेंट्स वो बन के असेंबल हो गए। ये देखिए, हेड की फॉर्म में, टेल की फॉर्म में, शीथ प्रोटीन, टेल फाइबर्स, तकरीबन 25 मिनट्स में 200 न्यू कॉपीज बनी और उन्होंने सेल को ब्रेक डाउन करके रिलीज, अपने आप को जो रिलीज कर दिया, लाइसिस के बाद उनकी रिलीज हो गई। इसके बाद क्या होगा भी, अगर कोई ऐसी फेज हो जो लाइसोजेनी कॉज करे, तो लाइसोजेनी में भी बैक्टीरियोफेज पहले अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये जो डीएनए नजर आ रहा है आपको, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, और ये डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जिसको हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ सर्कुलर शो किया गया, लेकिन हाईली क्वाइल्ड होता सर्कुलर ही अल्टीमेटली। अब यहाँ पे ये चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी ऑब्जर्व की, इसको नोट कीजिए। व्हाट हैपेंड इन दिस केस विद द फेज डीएनए, ये फेज डीएनए थी, इसके साथ क्या हुआ भाई, आप नोट कीजिए, दिस फेज डीएनए इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। मैं बार बार इसको शो कर रहा हूँ कि फेज डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन गया, अटैच हो गया उसके साथ, और बैक्टीरिया को ऐसा ही लगेगा जैसे कि उसका अपना डीएनए है। अब मीनवाइल बैक्टीरिया को अलो करेगा कि वो बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर जाए, जस्ट लुक एट दिस। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बैक्टीरियल सेल ने डिवाइड किया है, वो जो फेज डीएनए था उसकी कॉपी एक इधर भी पहुंच गई और इधर भी पहुंच गई, दोनों में उसकी कॉपी मौजूद है, यानी जितने भी सेल्स ऐसे डिवीजन के बाद बनेंगे उनमें फेज का डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बैक्टीरिया ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि बैक्टीरिया उसमें से ये डीएनए फिर से सेपरेट हो जाएगा वायरस का, उसे याद आएगा अरे भाई मैं तो लाइसिस करने के लिए आया था यहाँ, सो इट्स गेट सेपरेटेड, और सेपरेशन के बाद आप देखिए वो फिर से लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा, अपनी कॉपी सिंथेसाइज करेगा और फिर सेल की लाइसिस करके उसे रिलीज हो जाएगा। अगर सेल डिवाइड कर रहा था तो ये लाइसोजेनिक साइकिल था, अदरवाइज इट्स नेम्ड एज लिटिक साइकिल। ये याद रखिएगा, चंद एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिटिक फेज इज ऑल्सो नाउन एज विरुलेंट फेज, और जो लिटिक साइकिल होता है इसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, जबकि लाइसोजेनिक फेज इसको ए विरुलेंट फेज कहते हैं और टेम्परेट फेज भी इसको नाम दिया जाता है, और लाइसोजेनिक साइकिल को हम होस्ट गेस्ट रिलेशन भी कहते हैं, कि वायरस आके जो है वो बैक्टीरिया के साथ एज अ गेस्ट रहता है और बाद में उससे जो है वो सेपरेट होता है। जबकि एक प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें आपने याद रखना, इंडक्शन, इंडक्शन होता है लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान। ये देखिए, जब फेज डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाता है और बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता रहता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो फेज का डीएनए था वो अपने आप को सेपरेट करके फिर से लाइसिस स्टार्ट कर देता है, बैक्टीरियल सेल की ब्रेकडाउन कर देता है, इट्स कॉल्ड इंडक्शन। सम टाइम हाउएवर द वायरल डीएनए गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड लिटिक साइकिल स्टार्ट, दिस प्रोसेस इज नाउन एज इंडक्शन। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो रिपीटेडली पूछी जा चुकी है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जब उनमें एक दफा एक वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो दूसरे वायरसेस या दूसरी फेजेस के डीएनए के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रिलेटेड फेजेस के अगेंस्ट उनका डीएनए फिर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा होता एक डीएनए के बाद। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, कोई अगर क्वेश्चन है आप लोगों के तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए।